आपके लिए लेके आ गया फिर से कमाल की वीडियो के साथ यार। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यार आपने बहुत सारी बार ये प्रॉब्लम आपको फेस की होगी आप लोगों ने, कि आपके लिए जो आप कोई सा म्यूजिक सिस्टम यूज करते हो आप, अगर उस पर अगर आप ऑक्स केबल का यूज करते हो तो उस पर आपको कई बार आपको प्रॉब्लम भी करनी पड़ती है, ये फिट नहीं होता है, वो बार बार हिलता रहता है और आपको इससे प्रॉब्लम काफ़ी होती है, जाके वो बेसर आपका खराब हो सकता है इस चक्कर में और आपके स्पीकर्स में जो है साउंड खराब हो जाती है। तो इसका सॉल्यूशन लेके मैं आज आ गया हूँ, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। तो यार इसके लिए आपको चाहिए क्या क्या मैं आपको सब बता दूंगा, तो यार वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए गाइस और लाइक जरूर करिए वीडियो को। तो सबसे पहले आपको चाहिए सिंपली यार ये ऑक्स केबल, जो मैंने इसको काट रखा है जैसा आप देख सकते हो, तो ये कटी हुई काट देना, मतलब आप इसको खुद ही मतलब अपने हिसाब से, तो आप चाहे तो यहाँ से काट सकते हो, अगर यहाँ से काट सको तो ये दोबारा से थोड़ा पैक होने के लिए थोड़ा इजी रह जाएगा आपके लिए, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो इजीली। तो आपको इसके अंदर इसको चार वायर आपको देखने को मिलेगी, और वैसे अगर इसके अंदर ये वाला निकला था जाके जो ये बहुत प्रॉब्लम करता है, और एक आपको ये चाहिए सिंपल एक केबल जो आपके पास होगी पड़ी हुई, और एक उसके लिए चाहिए पुराने ख़राब हेडफोन जैक की वायर, जैसे मैंने ये ले रखी है देख सकते हो, और ये मैंने काट रखी है देख सकते हो, मैंने तोड़ रखी है ये, मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए। आप वैसे इसमें माइक्रोफोन नहीं था तो मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, दिखा दूंगा मैं आगे कि उसे आप सर्किट समझ सकते हो, आपके स्क्रीन में सॉल्व दिखा दूंगा, मतलब ये पिक्चर आ रही होगी, आप उसे जो है इसके कनेक्शन आप समझ सकते हो। और आपके पास अगर माना कि वाली है जिसपे माइक्रोफोन लगा होता है तो आप वाली भी यूज़ कर सकते हो और ये वाली भी यूज़ कर सकते हो। मेरे वाले माइक्रोफोन नहीं है तो आप मेरे वाले से देख सकते हो माइक्रोफोन वाली के बिना वाली, और माइक्रोफोन वाली है अगर आपके पास तो आप उसके लिए आप उस सर्किट को देख लीजिए, मेरा आपकी इमेज जो है आपके शो हो रही होगी वीडियो के आगे तो आप देख सकते हो। तो देखने के बाद अगर आपने देख लिया होगा तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है, तो उसको सिंपल आपको अलग निकाल देना है। निकाल देने के बाद यार आपको मैं आपको यार शॉर्टकट में बता रहा हूँ, तो मतलब कि थोड़ा आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, तो यार इसीलिए बता रहा हूँ जल्दी से। और अगर आप यार फिर से बता दो, अगर आप चैनल पर नए होते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना यार। तो यार इस वीडियो पे हम एम करते हैं यार 50 लाइक्स यार, जो कि आपके लिए बहुत ईजी है यार, आप कर सकते हो इजीली, और आप इस चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा। और आपको अगर और किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए होगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपके लिए हम जरूर वीडियो बनाएंगे उस टॉपिक पे जिस टॉपिक पे आपको कुछ चाहिए होगी। तो यार चलिए थोड़ा सा मैं इसको वायर को कट कर लेता हूँ, तो मैं इस वायर को कट कर लेता हूँ थोड़ा सा आगे ताकि सोल्डरिंग करने में ईजी हो जाए थोड़ा सा। तो आप देख सकते हो मैं इसको कट कर रहा हूँ। और गाइस वो आपसे एक और बात शेयर कर रहा हूँ, जो कि आपको पता है यार कि कोरोना का टाइम चल रहा है, तो यार आप प्लीज़ घर में रहिए, और जब आपको कोई ज़रूरी काम है यार तभी आप बाहर निकले, और प्लीज़ और गवर्नमेंट के कहे गए गाइडलाइंस को फॉलो करिए और सेफ रहिए बिल्कुल, अपने फैमिली को सेफ करिए गाइस। और कोई बात नहीं यार, सरकार जो भी कर रही है उसके लिए कर रही है, आपके भलाई के लिए घर में रहिए, और फालतू की आप घर से बाहर मत जाइए, तो यार आप इजीली बच सकते हो इन चीज़ों से। तो यार आपको सिंपली सोल्डरिंग करनी होगी इस पर, सो गाइस फाइनली आप इस पे टांके लगा सकते हैं इस तरीके से, जैसे आप देख सकते हो मैंने इस तरह का टांके लगाए हैं इस पे, तो देख सकते हो एक मैंने यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पे लगाया है। तो गाइस यार मेरे पास अभी फेविक्विक नहीं है यार, तो आपके पास अगर फेविक्विक हो तो आप उसका यूज़ करेगा इस, तो सॉरी इसके लिए कि यार मेरे पास फेविक्विक नहीं है, मेरे को ध्यान नहीं रहा, तो मैं इसको सिंपली अगर फेविक्विक इसके अंदर डालना, बाहर से मत लगाना, और आप इसको इस तरीके से पैक करके इसको, तो मैं अभी इसको आपको चला के भी दिखाऊंगा म्यूजिक सिस्टम पे, जो मेरे पास जो बूफर है उसमें मैं चला के दिखाऊंगा। तो यार उसके लिए मैं दूसरे रूम में जाऊंगा तो वहाँ पे इसे दिखा पाऊंगा आपको, तो गाइस तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो मैं इसको चला के टेस्ट करके देखूंगा भाई, अगर वो चलेगा उस पर काम करिए तो बहुत ही बढ़िया है गाइस। यार इस प्रॉब्लम से आप बिल्कुल एकदम छुटकारा पा सकते हैं यार, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आपका हेडफोन जैक अगर ख़राब हो गया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बार बार हिलाने से जो है टूट जाता है।
देखा कि अरे अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है तो, और ये बिल्कुल फिट हो रहा है मोबाइल के फोन के जैक में। तो यार उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप यार चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर जाना भाई। और जिसको अगर आपको यार ये वीडियो अगर पसंद आई होगी तो उसको तो फैला देना, और यार प्लीज घर में रहिए और सेफ रहिए, और वही यार फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यार मैं आगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आपके लिए आता रहूंगा। और अगर आपको कोई अगर कुछ बोलना होगा आपको तो यार मुझे इंस्टाग्राम पे नीचे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आपको क्वेश्चन वहाँ पे पूछ सकते हो। और कमेंट करना जरूर भाई यार अगर आपको कैसी लगी ये वीडियो। तो यार तो तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर।